अरे भाई अब यहाँ बैठ गया तू, तो मम्मा जी क्या बोलते हैं, वो पेस्ट खत्म हो गया, हम पेस्ट नहीं खाऊंगी। तो वॉशरूम में रखा है एक दूसरा है नहीं? चल निकाल ले, जल्दी जल्दी कर, मैं चाय बनाती हूँ जब तक, ठीक है? अब ईशांत की बारी आ गई है यहाँ ब्रश करने की, अभी उठा है, तो हम जब तक चाय वगैरह बना लेते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और मैं अभी सो के उठा हूँ, ब्रश कर लिया और नहाने जा रहा है। मैंने चाय बनवाई आज, चाय पिएगा ईशांत? चलो, पहली बार खुद का कह के मैंने चाय बनवाई है। तो आज ईशांत जूस नहीं तो चाय पिएगा आज, इस किसने का चाय के 2 घंटे बाद जूस पियो, चलो बाद में पी लेना। हेलो एवरीवन, वेलकम माय अनदर व्लॉग। होप कि मेरा यूट्यूब परिवार और आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। और चाय बना लेते हैं भाई, चाय। और आज मौसम ना बिल्कुल मस्त वाला है, मतलब बादल बादल हो रखे हैं, बादल बादल छा रखे हैं, एकदम जैसा शाम का या फिर सुबह सुबह का मौसम होता है ना, बिल्कुल वैसा हो रखा है। और टाइम हो गया है, टाइम ही शांत 8 बज गए हैं, टाइम 8 बज गए, 8 बजे हमारी चाय बन रही है, क्योंकि आज ही शांत घर पे ही था तो थोड़ा सोचा चलो आराम से बना लेंगे, तो चाय बना लेते हैं। ये देखिए किचन के अंदर से हम बाहर का खूबसूरत मौसम, ये खिड़कियां खोल दी मैंने और ठंडी ठंडी हवा मस्त, आज मौसम अच्छा बना हुआ है भाई। तो चाय हमारी तैयार हो चुकी है, चाय डाल लेते हैं, गर्मा गर्म चाय पीजिए आप भी, चाय के साथ ब्रेड भी ले लेते हैं। और खूबसूरत खूबसूरत ये मौसम, खूब भाई ये देखिए आज का मौसम क्या खूबसूरत है, ये देखिए तेज आगे भागो 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 भागो, एकदम से तेज आगे बरसात, ये देखिए भाई तेज होगी बरसात, दिखाते हैं एक बार और फिर आपको जाके, ये देखिए बरसात तेज हो चुकी है। ओए वो डोर न लगा ईशांत, ओए चल डोर लगा था लगाना, अगर मैं गिल्ली हो जाती तो क्या होता। चलो भाई ईशांत मुझसे पहले चला गया, चलो है चलो, अच्छा वो शरारती है तू है ना, चलो साथ। जब हम छत पे गए तब तो बरसात एकदम से आ गई थी और फिर से बंद हो गई। तू यहीं बैठेगा, बारिश का मजा लेगा। अच्छा ईशांत बाहर ही बैठ के करेगा काम, ये
देख ले रूम में बैठना, इधर रूम में बैठ जा, विंडो खोल रखी है। यहाँ करना वहां से ना, फिर ठीक बैठा जाता ना आपके पास, आराम से हो सकता है। या फिर चेयर पीछे लिया, यहाँ बरसात नहीं है, आगे बरसात लग रही है। हाँ, है ना, पीछे लिया चेयर, ये ले लिया छोटे वाला मेज। अगर आपको छोटे वाला मेज चाहिए ना, वो दे देती हूँ, आराम से बैठ जा पीछे। नहीं, मेज की जरूरत मेरे को है नहीं। ठीक है, देख के आराम से आऊ हेल्प करने। नहीं रुको, मैं आती हूँ। निकल गया, बस निकल गई तेरी ऐसी तैसी, निकल गया निकल गया। आज चल देखा, अब तुझे दो मिनट खुल गया। चलो कमरा हो गया भाई साफ, किचन में देखते हैं आज क्या बनाएंगे हम लोग। अब क्या हुआ, ब्लू पेन आपकी किट का है, क्या हुआ? अपने हाथ में लेके घूम रहा था किट। ये धो लिए चने और जीरा, हींग हमारा हो चुका है। हल्दी, नमक, नमक शमक डाल देते हैं और एक दो काली मिर्च भी डाल दी है। मिर्च इसमें हरी डाल ली है मैंने। जब भी मैं ये व्हाइट वाले चने बनाती हूँ ना, तो मैं इनको उबालती नहीं और ऐसे ही तड़क देती हूँ। एक विसल लगवा लेते हैं ऐसे, ताकि ये अच्छे से पक जाए। मेरा तो चावल पानी बची था साथ। तेरे साथ तेरे लिए पूरी बना दूंगी, देखियो। मैं यो कर लूंगा, वो कर लूंगा, बिछड़ती हूँ।
ना आते तक कुछ नहीं किया, ये करूं ना करूं। बेटे ये आदत अपनी सुधारो ना, आपको खुद इतना समझदार बनना चाहिए कि हाँ मेरे लिए क्या ठीक है कैसे किसमें मैं कंफर्ट हूँ, किसमें मैं कंफर्ट हूँ। ओके ये रख। तो चावल बनाएंगे तड़के वाले, घी डाल दिया कढ़ाई में देसी घी, और तड़का लगाएंगे क्या ये जीरा और इलायची काली मिर्च, तेज पत्ता ख़त्म हो चुका है तो फिलहाल इन्हीं का ही तड़का लगाएंगे। जीरा हो गया था तो ये चावल डाल दिए इसमें। ईशांत के लिए पूरी बनाऊंगी भाई मैं, क्योंकि ईशांत ने बोला है पूरी खाने के लिए। आज काफी दिनों के बाद तड़के वाले चावल। और पूरी क्या ऊपर से ले लिया, और ये बन गए ईशांत के, ईशांत के लिए गर्मा गर्म पूरी। पूरा नहीं पूरी, पूरी का बड़ा भाई, पूरा पूरी का भाई बन गया ये। ये देखिए मोटा, ये देखिए भाई मस्त एकदम। तो गैस बंद हो चुकी है और ये बन गई पूरियां। तो अभी लगाते हैं प्लेट में, ये ईशांत की प्लेट को हम कर देंगे तैयार। पूरी इधर रखेंगे फिलहाल, चावल भी डाल दो ना थोड़े। हाँ जी। और ये रहे चावल गर्मा गर्म, चावल और ये रही पूरी, ठीक है। और सिरके वाले प्याज, तो ये रहे प्याज। तो ये लग गई भाई ईशांत की प्लेट। और ये मेरी प्लेट है भाई, ये मेरी प्लेट तैयार हो चुकी है, ढाबे वाली प्लेट है। और मेरी सब्जी सारी बिखर चुकी है, मेरी प्लेट की सारी सब्जी बिखर चुकी है। तो भाई ईशांत बताइए कैसी बनी है। इसको बंद कर दे, अच्छा खाना खाते टाइम ना जो तूने चलाया हुआ है। कैसी फीलिंग है रही ढाबे वाली, और ईशांत को ना ढाबे वाली फीलिंग आ गई है भाई। तो कल मिलेंगे आपको एक और नए व्लॉग में, बाय टाटा।